इधर वो है उसका इधर है सर ये डायरेक्शन में ये कैमरा है यहाँ ये पता चला है कि यहाँ से वो लड़का हमारा जो पार्टनर का लड़का है वो यहाँ से निकला और हमारी ऐसबाग वाली दुकान की तरफ जा रहा था अच्छा। मालवी नगर होते हुए अंदर से और उसके पास एक बैग था ठीक उसके पास बैग था फिर वो बैग जो है वो टांगे हुआ था मोटरसाइकिल से जा रहा था। बीच रास्ते में दो लड़के जो पता चला है हमें अभी कि अपाची मोटरसाइकिल से थे उन्होंने उसको टक्कर मारी और टक्कर मार के उसके ऊपर फायर कर दिया। जब वो गिर गया तो जो उसके पास बैग लगा हुआ था वो बैग लेकर वो चला गया। कितना कैश होगा लमसम आपका अंदाजा? अभी ये हमारी उससे बात नहीं हुई कि उसमें कैश था फिर भी कितना अंदाजा वो हम अभी जब हमारी बात नहीं हुई जब ये कैश ले गया या नहीं ले गया उसके पास था या नहीं था अभी हमारा बात नहीं हुई उससे क्योंकि यहाँ से वो दुकान जा रहा था और वहाँ दुकान से वो ले के तब इधर आएगा या इधर से ले के वो दुकान जा रहा था अभी हमारी उससे बात नहीं हुई इसलिए हम अभी कैश के विषय में नहीं बता पाएंगे। अगर था भी तो कितना था ये नहीं बता पाएंगे। ये देखिए थाना बाजार खाला क्षेत्र में और रेडी तिराहे के पास एक मॉडल शॉप है वहाँ पे एक व्यक्ति उसका जो मॉडल शॉप में पार्टनर भी था और वहाँ काम भी करता था उसको भी गोली लगी है थोड़ी देर पहले और उसको ट्रामा सेंटर ले जाया गया है जहाँ उसका इलाज चल रहा है। उनका नाम दीपू जयसवाल बताया गया है जो कि आसियाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। यहाँ हम लोग घटनास्थल पर हैं और बाकी पूरे शहर में जहाँ भी इसके आसपास चेकिंग कराई जा रही है जो संदिग्ध व्यक्ति हैं जिनके बारे में बताया गया अपाचे मोटरसाइकिल से थे और इसमें सभी जो संबंधित हैं उनसे हमारी पूछताछ चल रही है। घटनास्थल के आसपास जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उसको हम लोग विश्लेषण कर रहे हैं और जो भी चीज़ें इसमें निकल के आएंगी उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। सर लूट की घटना के सामने आई नहीं अभी इनसे उससे बात नहीं हो पाई है जो मजदूर है उससे बातचीत नहीं हो पाई है और जो इसके दुकान के दूसरे संबंधित लोग हैं उनको भी बुलवाया गया दुकान चूँकि बंद हो चुकी थी तो सभी लोगों से बातचीत हो जाए उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है।